कि अभी पूरे देश के अंदर सरकार है बीजेपी की, तो आपको क्या लगता है कि अब कब तक बन जाएगा राम मंदिर? राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। आप कह रहे हैं जो कि राम मंदिर बन जाएगा, राम मंदिर बन गया तो मुद्दा खत्म हो गया जी, इनकी कहानी खत्म हो गई। भाई मैंने अभी यही तो कहा अभी थोड़ी देर पहले, भाई सब कुछ तो तुम्हारे पास है तो मंदिर बना क्यों नहीं लेते। एक उदाहरण आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, न्यूज में मैंने अभी देखा जी। उस न्यूज में यह था, शायद एबीपी में थी या एनडीटीवी पे, एनडीटीवी इंडिया पे, मैंने दो ही ये देखता हूँ, उनमें से थी किसी पे, कि 4 साल पहले राम मंदिर के जो पत्थर वगैरह हैं उन्हें उकेरने का, यानी उन्हें गढ़ने का जो काम कर रहे थे, वो 140 से ज़्यादा वहाँ पे वो थे कारीगर, और आज की तारीख में एक आदमी कारीगर जो है वो काम कर रहा। क्यों बन गए सारे पत्थर जो मंदिर बनाने के लिए जितने जरूरत नहीं बने, और 140 से ये अगर रह गया तो ये साफ हो गया कि भैया हम मंदिर नहीं बनाना। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। बना क्यों नहीं लेते भाई, इन्हें मंदिर नहीं बनाना। इनकी सारी रणनीति है कि मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में लोगों को लड़ाना और हिंदू मुस्लिम करकर इसको पूरे माहौल को बांट देना और उसका फायदा उठाना। ये कभी राम मंदिर नहीं बना सकते। भानुप्रताप जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि आप सभी लोग बोलते हैं कि मीडिया गुमराह करती है, तो कैसे गुमराह करती है जबकि मीडिया बड़े स्पष्टीकरण रूप से दिखाती है, क्या है वो गुमराह करने का, वो थोड़ा सा बताएं। कौन सा मीडिया दिखा रहा, ये आप बहुजन मीडिया की बात कर रहे हो, या जो कुछ जैसे एनडीटीवी इंडिया है या द वायर है और कुछ ऐसे थोड़े से चैनल हैं जो पूरी ईमानदारी से जो है जैसा सच वैसा ही नंगा आपके सामने रख रहे दिखा रहे हैं। बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो रात को शुरू होता है 8 बजे से लेकर और 10 बजे तक, वो तो हिंदू मुस्लिम गाय गोबर और इसके अलावा जो है धर्म मंदिर राम, इसके अलावा और तो कुछ चलता नहीं है। आप पूरा देखें, रिकॉर्ड ले लें पिछले से, ये सारा सब इनकी पूरी सोचे समझे साजिश हो, तो दिखा कहाँ रहा मीडिया। क्या मीडिया ने इतनी सारी घटनाएं घट गई हैं जमीन पर, वो दिखाया मीडिया ने नहीं दिखाया। तो इसलिए वो जो मीडिया है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा, केवल इनके पास यही मुद्दे हैं, कश्मीर का मुद्दा है, राम का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है और गाय गोबर का मुद्दा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया आज की तारीख में पूरी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गुलाम बन चुका है, और ये बड़ी दुखद स्थिति है, और दुखद स्थिति जनता से ज़्यादा खुद उस मीडिया के लिए है। मैं मानता हूँ उस मीडिया को बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए, अगर उनके किसी कोने में जमीर उनका जिंदा है तो उन्हें पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। जो घटनाएं घट रही हैं, सरकार की जो नाकामियां हैं, सरकार की जितनी बदतमीजियां हैं, उनको पब्लिक के सामने रखना चाहिए ताकि पब्लिक सच जान सके। और अगर ये नहीं करती है तो ये तो सरकार तो 2019 में जाएगी जाएगी, लेकिन मीडिया वाले भी अपना इंतजाम कर लें, क्योंकि सोशल मीडिया और बाकी जो मीडिया है वो बहुत एक्टिव हो गया है, ये भी अपने आप समापन की तरफ चले जाएंगे।